नहीं जाएगा, बस उसी व्यक्ति को बोला जाएगा आपको BMW मिलेगी, आपको BMW मिलेगा और 5 किलोमीटर पैदल चलना है। दोस्तों नींद नहीं आएगी, पक्का जाएगा बंदा, क्यों? टारगेट है। क्या मिलेगा? मर्सिडीज मिलेगा, BMW मिलेगा। तो दोस्तों कभी भी तैयारी करनी, बड़ी तैयारी करनी है, बड़ी तैयारी करके आप टारगेट जीत सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ टारगेट, अगर आप हर बार टारगेट करते हैं तो हर, ये सभी आप लोगों ने देखा सुना होगा और देखा हमारे जो है सभी लीजेंड्स ने बताए हैं इनके बारे में, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर आप हर बार टारगेट करते हैं तो हर 3 महीने में लेवल चेंज होता रहेगा, आप 2 साल में डायमंड बन सकते हैं। ताना मारने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा, विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, 20 से 30 हजार रुपये महीने की लगातार इनकम पर भी पहुंच सकते। कुछ लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे तेरे बस की बात नहीं है, तुम नहीं करते, कहां है तुम टारगेट के चक्कर में, कहां तुम इस कंपनी में फंस गया। दोस्तों उसके मुंह पर आप ताला लगा सकते हैं। घर से भी विरोध होता है, कभी कभी चैलेंज आते हैं, आप टारगेट जीत करके, चैलेंज को एक्सेप्ट करके, टारगेट जीत करके आप उनको प्रूफ करके दिखा सकते हैं, लेकिन होगा तभी जब टारगेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों कैसे टारगेट को अचीव करना है, 3 थिंग्स फॉर टारगेट, ये ट्रिपल ए फॉर्मूला है, ए फॉर एम्बिशन, ए फॉर एटीट्यूड और ए फॉर एक्शन। एम्बिशन महत्वाकांक्षी होना चाहिए बंदा, जब तक हमें अंदर से चाहत नहीं होगी तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, पिला नहीं सकते। बंदे के अंदर में आग है नहीं, बोले अरे सर कहां ये पेरी सुरिस की बात कर रहे हो आप, सर अपने नौकरी ठीक चल रही है, अपना जो है धंधा पानी ठीक चल रहा है, उनमें आग है नहीं। तो दोस्तों टारगेट जीतने के लिए वो पक्का बंदा जो है महत्वाकांक्षी होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए उसमें। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल कर देते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत है, चाहत कमजोर होती है। सफलता इच्छाओं से नहीं मिलती बल्कि इरादा मजबूत होनी चाहिए। एक व्यक्ति था दोस्तों, जैसे 9 से 5 ही जो है जॉब करके आते हैं, एक बार क्या है, एक व्यक्ति जो है जॉब करके आया और अपने घर पर आया और थका हुआ हार, और आप सभी जानते हैं जॉब करने वाले कैसे थके हारे आते हैं, परेशान होकर आते हैं, और दोस्तों आया और कॉलिंग बेल बजाया और मैडम उधर से निकली और बोले मैडम, दरवाजा खोलते बोले कि मैडम आज एक मसालेदार चाय पिला दो, और दोस्तों मैडम तराक से बोली अजी सुनो चाय पत्ती खत्म हो गई। बंदा गया नीचे चाय पत्ती लेकर आया और जैसे आया बोला अजी सुनो दूध भी खत्म है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बंदा गया दूध भी लेकर आया और दूध जैसे लेकर आया बोली अरे मैं तो डब्बा देखना भूल गई, उसमें चीनी भी नहीं दोस्तों, और जाके चीनी भी लाया। और दोस्तों चाय पीनी है तो चीनी, यानी इरादा मजबूत था, कुछ भी हो जाए चाय पीने का उसका जो है ना मजबूत इरादा था। अगर वहीं पर कुछ लटुरे आदमी बोले ठीक है मैडम रहने दो ना ठंडा पानी पिला दो काम चल जाएगा, पीना है चाय और जो है एकदम फालतू की बात कर रहे हैं और एक गिलास पानी से काम चला जाए, ठंडा बोले ठंडा पानी पिला दो। इसलिए दोस्तों बर्निंग डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर आग चाहिए, आग। आपके लिए टारगेट क्या मायने रखता है, टारगेट आ चुका है, आप खुद देखिए कि हमें टारगेट से क्या मिलने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं टारगेट। टारगेट करो और मजे करो। और दोस्तों थैंक्स गॉड और थैंक्स ग्रेट मेंटर, देखिए दोस्तों मुझे भी टारगेट जीतने का मौका मिला और दोस्तों अभी जो है इंग्लैंड, यूरोप, इटली सारे टारगेट बचे हुए हैं, और देखिए ग्रेट मेंटर के साथ फोटो खिंचाने में कुछ अलग आनंद आता है, वो भी फॉरेन में, और जब वहां पर कुछ ऐसे मार्गदर्शन करते हैं वहां पर आनंद लेते लेते ऐसे मार्गदर्शन बोलते वाह आज से वाह जिंदगी हो जाती है। दोस्तों इसलिए टारगेट करो और मजे करो। एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है टारगेट करने के लिए। कई बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं, कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमें भरोसा है, उस वक्त आपको नजरिया भागने वाला नहीं कुछ करके दिखाने वाला रखना होगा। आपको एटीट्यूड पेरिस का टारगेट आया है तो आपको एनी टाइम टारगेट का एटीट्यूड रखना है, कुछ भी हो जाए साला दुनिया की कोई भी ताकत जो है पेरिस का टारगेट दिखाऊंगा। कोई व्यक्ति बोले सर क्या बात करते हो साला करके दिखाएंगे हम,
यानी आपका एटीट्यूड जो है एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड है और हर समय दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सके, ऐसा एटीट्यूड रखना है। कुछ लोग आपको भ्रम में रखेंगे और आपको जो बहकाने की कोशिश करेंगे, बोले तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम घर पर जाने थे। अब बंदे को जीतना है टारगेट, बोला कि महावीर जी टारगेट जीत कर दिखाऊंगा, और घर में गया, घर में बोला सब्जी खत्म हो गया, कहां घुस गया सब्जी में घुस गया, सिलेंडर खत्म हो गया, फीस भरने जाना है, घुस कहां गया, फीस भरने में घुस गया। हाँ फीस भरना है, कोई दिक्कत नहीं, आप फीस भरने जा रहे हैं और आपका, लेकिन टारगेट फोकस होना चाहिए, टारगेट करना है बस, उसमें टाइम को मैनेज करना है। हम ये बोल रहे हैं नहीं आप ये काम मत करो, हाँ काम करना है, बस आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। आपका टारगेट में जब तक आप एटीट्यूड अच्छा नहीं रखेंगे, नहीं तो आप कहीं घुस जाएंगे, वेइंग मशीन में चले जाएंगे और आपका टारगेट कभी नहीं होगा, आपको आपका कभी भी जो है फोकस डाइवर्ट हो सकता है। नजरिए का महत्व, लोग जो सिर्फ नजरिए से जीते हैं, ये सारी कहानियां आपने सुनी होगी पहले। उसके बाद दोस्तों हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, एक मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। आप जिसको भी आदेश देते हैं वो काम पर लग जाता है। जैसे एक जैसे माना जाए कि आपको सुबह उठना है, आपने अलार्म सेट किया, मुझे 5:10 पर जगना है, तो आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाए, कुछ भी हो जाए मुझे 5:10 पर जगना है, और सोने से पहले वो एक्टिव हो जाएगा और काम करना, और आप जग जाएंगे। आप वहीं पर अगर बोले ठीक है यार जग तो जाएंगे, अब कहीं तो जाने जरूरत नहीं, और 1 घंटा सोने, दोस्तों आपका मिस्टर पराजय एक्टिव हो जाएगा और जब आप तो अलार्म सुनाई देगा सुबह 5:10 पर, तो आप रजाई से पैर भी बाहर निकालें, चेक करेंगे सर्दी ज्यादा है या कम है, बाहर गर्मी ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि आपका मिस्टर पराजय एक्टिव है, वो काम करना शुरू कर दिया है, बट जगना है तो जगना है, कुछ भी हो जाए अगर सुबह सुबह जगेंगे, सुबह उठने के फायदे अगर पता है, सुबह उठने के फायदे होते हैं जो है ब्रह्म मुहूर्त में कुछ बोलने से जो अफर्मेशन करने अच्छा होता है, एक्सरसाइज किया सकता है, हमारे महावीर जी के चैनल पर आना है, ये उठने का कारण है, तो आपका मिस्टर विजय जो है एक्टिव हो जाएगा और आपको जीने का कारण पता, जब मतलब जगने का कारण पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक्शन, तीसरा एक्शन, एक्शन बिना योजना के कार्य करना जैसे बिना तैयारी के युद्ध में जाने जैसा है, प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कोई भी काम करते हैं, अगर आपको कल करना है या परसों करना है या आने वाले समय, कुछ लोग 5 साल की बात करते हैं, 2 साल उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, आने वाले 3 साल के बाद क्या करना है, आने वाले 5 साल के जो सक्सेसफुल के प्लानिंग किया जाते हैं, जैसे युद्ध के मैदान में भी जाना उसके पहले प्लानिंग होती है 5 से 6 महीने पहले, नहीं तो अगर बिना प्लानिंग के जाएंगे तो दोस्तों कब मारा जाएगा दुश्मन के हाथों कभी पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। सॉरी आप टारगेट की प्लानिंग नहीं करेंगे, आप टारगेट बोलेंगे, अगर प्लानिंग नहीं है तो आप अंधाधुंध भागेंगे, आप जो है 50 किलोमीटर गए को प्लान दिखाने गए और दूसरे एक शहर में चले, कम से कम 2000 किलोमीटर गए, आप ट्रेन पकड़ लिया, फ्लाइट पकड़ लिया और एक आदमी को प्लान दिखा, ऐसे भागते रहेंगे तो दोस्तों मुझे लग रहा है सप्ताह में 2 या 3 प्लान ही होंगे, नहीं हो बड़ा काम नहीं है, इसलिए ज्यादा कोशिश करें पहले नजदीक में उसकी लिस्ट बना करके। टारगेट के लिए प्लानिंग, टारगेट के लिए सबसे जरूरी चीज है लिस्ट, हमें ये देखना होगा कितने जोरे बनाने से हमारा टारगेट होगा, उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट चाहिए, सबसे पहले नजदीक की लिस्ट पर काम करना होगा, समय बचाने के लिए नजदीक की लिस्ट ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा क्रक्स है लिस्ट, जब तक लिस्ट नहीं बनेगी, जितनी बड़ी ज्यादा लिस्ट होगी उतनी ज्यादा और सक्सेस होने की गारंटी, संभावना ज्यादा गारंटी है टारगेट जीतने की, इसलिए लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और लिस्ट पर पहले आप नजदीक वाले की लिस्ट बनाएं, चाचा मामा ताऊ फूफा फूफी दोस्त